अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत जी ये कुछ पेपर्स से है। ये कुछ डिफरेंट स्टाइल के कार्ड्स रखे हुए हैं और ये कुछ कलर्स मार्कर हैं और ये जी एक ख़ास मकसद के तहत ही रखी गई थी। ये मकसद ये है कि अब मेरी फ्रेंड के बर्थडे है और उसके लिए बना रही हूँ कार्ड। लॉन्ग डिस्टेंस से बर्थडे विश करना था तो कोई बेस्ट आइडिया यही आ रहा था कि इस तरह छोटे छोटे कार्ड्स पे डिफरेंट टाइप के मतलब फीलिंग्स जो भी हैं विशेस लिखकर उसको एक वीडियो बना के भेज दी जाए, क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था जाके, या वो मतलब ऐसे था सिलसिला सीन कुछ नहीं था, तो इसलिए ये वीडियो बनाने का ही ख्याल आया। ये इस तरह वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा कि अपलोड कर देती हूँ, मैं भी किसी और को भी फ़ायदा हो जाए कि अगर कोई और अपने किसी प्यारे को बर्थडे विश करना चाहता हो या वैसे कोई कोई दुआएं भेजना चाहता हो तो लॉन्ग डिस्टेंस पे इस तरह करके किया जा सकता है। सबसे पहले जी दो दर्द पेपर लिए, उनको भी छोटे छोटे कार्ड्स में करके काट लिया और इस तरह अब उन पर छोटी छोटी विशेज लिखी जा रही हैं। ये इस तरह लिखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ आपको कि मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था। वैसे ये आइडिया यूनिक सा आइडिया लगा था मुझे, मैंने कहा मेरी वैसे भी मेरी फ्रेंड की विश थी कि उसको इस तरह विश किया जाए। मैंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है, जब तक आपकी बहन मौजूद है तो आप कोई भी ख्वाहिश का इजहार करें तो पूरी करने के लिए तैयार हूँ। सो मैंने फिर सोचा और इस आइडिया पे अमल किया। इस तरह ही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, सेलिब्रेट करने से खुशियों की जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। और मुख्तलिफ स्टाइल से विश तो हम कर लेते हैं, तस्वीरें लगा के, वीडियो बना के या किसी और तरीके से, हर तरह से। अगर हम इस तरह किसी को विश करते हैं, मैं बर्थडे को प्रमोट नहीं कर रही यहाँ पे कि बर्थडे पे ज़रूर विश किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी को दुआएं तो देनी चाहिए ना। तो ये दुआएं देने का एक मतलब स्पेशल डे होता है कि हम उसको बंदे को या बंदी को जिसको भी है हम दुआ दे रहे हैं। वैसे भी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जनवरी के मंथ में जिस जिसकी भी बर्थडे है उन सबको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। आने वाला साल अल्लाह पाक खुशियों से भरपूर साल लाए और अल्लाह पाक तमाम तरह के मौसी अमराज से हमें महफूज रखे और ये जो वबा दुनिया में फैली हुई है इसको भी इससे भी हम सबको महफूज रखे। आज साल का पहला दिन है, अल्लाह पाक से दुआ है कि इस साल जिन लोगों की भी जो भी नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक उन सब की ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी कार्ड को लिखने के बाद और इन पे डिकोर कर रही हैं और ये है जी फाइनल शक्ल है, अब इनको तरतीब से सेट कर लिया जाएगा। थोड़े शशके लगा के काफ़ी प्यारे लग रहे हैं कार्ड, माशाल्लाह से कलरफुल हो गए हैं। पहले तो सिर्फ वो एक ही ब्लैक पॉइंटर से लिखा हुआ था आपने तो भी अगर वो किसी भी फ्रेंड थोड़े या फैमिली बोर बोर मेंबर से या लग किसी रहे को थे। भी इस तरह विश करना हो या किसी भी मकसद के लिए आपने कार्ड बनाने हो तो आप इस तरह बना सकते हैं। ये है जी फाइनल शक्ल। अब ये इन कार्ड्स को इस तरह साइडों से थोड़े से शशके लगा के नीचे से कुछ पल्स रख के और जो भी मेरे पास ये छोटे छोटे हार्ट्स थे इनको रख के अब ये कर रही हूँ। इस तरह वीडियो बना के सारे कार्ड तरतीब से रख लिए थे और अब उठा उठा के साइड पे रखे जा रही हूँ। और ये जी आ गया है नेम मेरी फ्रेंड का, खुश रहना सिदरा हमेशा, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, ये आने वाला साल आपके लिए खुशियों से भरा हुआ हो और आपकी जो भी ख्वाहिशात है वो पूरी हो। सिदरा हर साल 1 जनवरी को ये वीडियो देखा करना, मुझे याद किया करना। ये उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब मैं होंगी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।